सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्परे हम परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना का अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महान शिष्य अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 52वें पृष्ठ की 27वीं पंक्ति पर 34वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर उद्वारोहण कराएं ताकि रखे गए भाव को विचारणा को मंत्रों को सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके जान सके सीख सके समझ सके तद अनुरूप साधना के द्रुपद पर अपना कदम आगे बढ़ा सके इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी बट हू शेल पायर्स इन टू द क्रिप्टिक गल्फ एंड लर्न व्हाट डीप नेसेसिटी ऑफ द सोल डिटरमिंड कैजुअल डीड एंड कॉन्सिक्वेंसेस एब्जॉर्ब्ड इन अ रूटीन ऑफ डेली एक्ट्स Our eyes are fixed on an external scene. We have the crash of the wheels of circumstance and wonder at the hidden cause of things. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन में जब जब अवसर आता तब उपस्थित हुए उन अवसरों पर घटित कर्मों के परिणामों में हम निश्चयात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तब इसमें बाह्य सतही सचेतनता जिसमें रहने के हम आदि होते हैं और भीतर गहराई में विद्यमान छिपे परम उत्कृष्ट प्रभावशाली प्रच्छन्न अंतःपुरुष चेतना के इर्द गिर्द की सचेतनता के अनुभव में बहुत बड़ी खाई होती है। जो कुछ सतही जीवन पर घटित होता है वह हमें बिना किसी कारण के अचानक घटित हुआ सा प्रतीत होता है किंतु हम सतत दैनिक कर्मों के नियमों के अत्यधिक अभ्यस्त होने के कारण और अपने स्वभावगत इंद्रियों के बोध एवं प्रभाव से बाह्य घटित होने वाले दृश्यों पर ही अपने नेत्र गड़ाए रहते हैं। ऐसे में इर्द गिर्द बाह्य परिस्थिति जन्य चक्रों की आपसी अहमात्मक भीषण टकराहट की आवाज हम अपने कानों में सुनते रहते हैं और भीतरी गहराई में अंत पुरुष की गहन आवश्यकता से सदैव अनभिज्ञ रहने के कारण सतह पर घटित होने वाले समस्त घटनाक्रम को अकारण आकस्मिक परिणामों पर वस्तुओं के निगुह्य कारण पर हठात ही आश्चर्य व्यक्त करते हैं किंतु परमेश्वर की दूरदर्शिता दृष्टि एवं योजना अंतर्गत कोई भी घटित होने वाली जगत एवं जागतिक स्तर की घटना या क्रिया का परिणाम कभी भी अकारण नहीं होता है। मानव के भीतर गहन गहराई में
अंत पुरुष आत्म चेतना के सर्वज्ञ समकक्ष ज्ञान स्थिति के कारण हमारे जीवन में हमारी सत्ता स्तरों मन प्राण शरीर के लिए अब क्या विकास प्रक्रिया में आवश्यक है उस अनुरूप ही पूर्व निर्धारित सुनियोजित ढंग से ये घटनाएं घटित होती जाती हैं। इन अंत पुरुष चैत्य पुरुष के निवास स्थान की चैत्य गुहा की गुप्त खाई में कौन घोर श्रम कर उतरेगा और समझेगा जानेगा कि किसकी आत्मा की किस गहन आवश्यकता ने सतह पर आकस्मिक लगने वाले कार्य के घटनाक्रम को सिर्जा होगा और क्यों सिर्जा होगा। इसके कारण से बाह्य सतही घटित होने वाली क्रियाओं पर बाह्य दृष्टि बिल्कुल अनजान ही बनी रहती है मानव की। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर उत्तरित हुई परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना चिंत पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना। अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं ताकि जब जब साधना के दुरुपद पर हमें ज्ञान की विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के दुरुपद पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है। Oh.